मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव के ऊपर गुरुग्राम पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है, और ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है, आखिर क्यों एक यूट्यूबर बार बार कानून को हाथ में लेने में जुटा है, इस बात की जानकारी लेने के लिए हम खुद एसीपी सदर के पास पहुंचे हैं, जो कि बताएंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है। सर, एल्विस यादव के नाम पर्चा आपने दर्ज किया है, सर इसलिए पर्चा दर्ज हुआ है, कौन शिकायत करता है? कल हमारे थाना सेक्टर 53 में एक रिटर्न कंप्लेंट सागर ठाकुर के कंप्लेनेंट है, उन्होंने दी थी, जो उन्होंने बताया था कि मेरे साथ एल्विस यादव और 8-10 लोगों ने जो है मारपीट की है, तो उसी में ही हमने संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ जो है मामला एफआईआर दर्ज किया है। सर, इसमें एल्विस यादव के द्वारा मारपीट जब की गई तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड उसके साथ ही कर रहे थे, उस जो कि पीड़ित है उसको बदनाम करने के लिए कह सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, वो वीडियो भी अपने कब्जे में लिया। सर, क्या क्या चीज़ें पुलिस ने अपने कब्जे में ली? अभी उसमें हम इन्वेस्टिगेशन जा रही है, ये वीडियो भी हमारे संज्ञान में आई थी, वो भी ले ली गई वीडियो में, और जो भी होगी नियमानुसार हम कार्रवाई आगे अमल में लाएंगे। तो सर, ये मारपीट जो इसका मसला क्या निकल कर सामने आया, जो दोनों ही यूट्यूबर्स हैं, तो ऐसे में इतनी बात कैसे बढ़ गई कि घर में घुस करके जो है दुकान में घुस करके मारपीट की गई है, और ये लोकेशन क्या थी सर मारपीट की? ये जो है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास कंप्लेंट आई है, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, हम इसके पूरे तह तक जाएंगे जो भी होगा और नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। अगर सर पर्चा दर्ज हुआ है सभी धाराओं के तहत पुलिस ने किया है, तो ये माना जा सकता है कि गिरफ्तारी भी अवश्य होगी, आदेश कर दिए गए? हाँ, जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई हम वही करेंगे, अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, अरेस्टिंग होगी या जो भी होगा उसमें बिल्कुल हम। अगर शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने जो शिकायत दी उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं है, बल्कि बहुत कम हल्की धाराएं लगाई गई हैं, तो कहाँ तक सही है शिकायतकर्ता के पुलिस के ऊपर लगाया गया आरोप? देखिए, जो भी उसमें कंप्लेन में जो भी ऑफेंसेस बनते थे, हमने उन्हीं में ही धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज की गई है, आप उसको देखेंगे एफआईआर को, तो 147, 149, 330 और 546 जो मान से जान से मारने की धमकी थी उसमें, तो सभी धाराओं में जो भी बनती थी हमने उन्हीं में ही पर्चा दर्ज किया। जी जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एसीपी सदर कपिल अहलावत, जिन्होंने बताया कि यूट्यूबर एल्विस यादव द्वारा की गई मारपीट मामले में जांच की जा रही है, और जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर ये मसला क्या था, मगर शुरुआती तौर पर जो शिकायत करता है उसने जानकारी दी है कि 7 मार्च और 8 मार्च की मध्य रात्रि तकरीबन 12:10 के आसपास का ये पूरा मसला है, जब यूट्यूबर एक यूट्यूबर लड़के को एल्विस यादव द्वारा बुलाया जाता है गुरुग्राम के अंदर अपनी लोकेशन पर, और जब वो लोकेशन पर आता है तो आने के बाद वो खुद जो पीड़ित है, मैक्स टर्न उसका नाम है, जो पीड़ित है उसने अपने सागर ठाकुर जो कि शिकायत करता है इस पूरे मामले के अंदर, उसने अपने आप को बचाने के लिए एल्विस यादव की लोकेशन को नकार दिया और अपने ही किसी साथी की दुकान पर जा बैठा, और एल्विस यादव जब वहां पहुंचा तो सीधे तौर पर ये वीडियो बयां कर रही है किस तरीके से एल्विस यादव से उसने पहले नरम तरीके से हाथ मिलाने की कोशिश की, मगर एल्विस यादव जो था ये मन बनाकर आया था कि उसको मारपीट ही करनी है, और वीडियो के अंदर भी सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो के अंदर भी ये आवाज बार बार निकल कर सामने आ रही है, जिसमें एल्विस यादव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और इसी धारा के तहत यानी आईपीसी 506 के तहत भी मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, और लगातार जो यूट्यूबर एल्विस यादव है कहीं ना कहीं इस तरीके के विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ही उनकी एक वीडियो और सामने आई थी, इसके अंदर एक रेस्टोरेंट में बैठे युवक को भी उन्होंने थप्पड़ मारा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एल्विस यादव की इस हरकत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जरूर मुकदमा दर्ज किया है, मगर ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर एक यूट्यूबर, एक बिग बॉस ओटीटी विनर, जिसको हरियाणा सरकार ये कहती है कि यूथ आइकन है, वो यूथ आइकन आज यूथ को कैसा मैसेज देने में जुटा है, इस बात को लेकर क्या कुछ कार्रवाई जो होगी ये आने वाला समय ही बता पाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, एबीपी न्यूज़।